हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चले बच्चों, यूनिट 10 मेजरमेंट चैप्टर का आखिरी पार्ट हम करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट एक्सरसाइज में इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम का ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है आप कह सकते हो, राइट। चलिए, आपको प्रैक्टिकल में भी सबसे पहले यही करना है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से वर्नियर कैलिपर जो है वो काम करता है, राइट। और हम देखेंगे बच्चों उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स, फाइन। चलिए तो आ जाए बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है वर्नियर कैलिपर का एक फिगर, ओके। ये फिगर जो है ना मैंने खुद बनाया है बच्चों, एकदम नीट एंड क्लीन, ओके। चलिए समझते हैं इंस्ट्रूमेंट को बच्चों। तो वर्नियर कैलिपर जो है उसके अंदर दो स्केल होते हैं, एक होता है बच्चों मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड एज अ मेन स्केल और अ फिक्स स्केल, ये वाला जो है ना इट इज अ मेन स्केल और अ फिक्स स्केल। और ये जो दूसरा जो है बच्चों उसको हम आगे पीछे स्लाइड करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको हम आगे पीछे स्लाइड करा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों वर्नियर स्केल और दैट इज कॉल्ड एज अ मूवेबल स्केल। चलिए, डायमेंशन मेजर करने के लिए दो जॉ होते हैं, एक जॉ जो है वो फिक्स होता है जो फिक्स स्केल के ऊपर लगा है, और दूसरा जो जॉ है वो मूवेबल स्केल के ऊपर लगा है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहां पे नीचे जो है ये जॉ से हम मेजर कर सकते हैं बच्चों एक्सटर्नल डायमीटर, हमें जिस भी चीज का डायमेंशन मेजर करना है उसको हम दो जॉ के बीच में रखेंगे और दोनों जॉ को एक दूसरे के साथ टच कराएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे, स्फीयर को इस दो जॉ के बीच में रखेंगे और जॉ को एक दूसरे के साथ टच कराएंगे, ओके, फाइन। तो ये जो जॉ है वो एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करता है, ये जो है वो इंटरनल डायमेंशन मेजर करता है, राइट। चलिए, यहां पे भी एक जॉ जो है वो फिक्स स्केल के ऊपर लगा है और एक जॉ कहां लगा हुआ है, मूवेबल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो ना, तब ये मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, लेट्स कॉल दिस एज जीरो, फाइव, 10, 15, 20, 25 and 30, राइट। तो दोनों का जीरो जो है वो मैच होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब ये देखते हैं किस तरह से हमें रीडिंग देखना है। तो रीडिंग के लिए हमें प्राइमरी स्केल भी देखना है और उसका सेकेंडरी स्केल का भी रीडिंग देखना पड़ेगा। चलिए, प्राइमरी स्केल के रीडिंग का मतलब क्या है, तो आपका सेकेंडरी स्केल जहां पे रुका हुआ है, राइट, आपने जॉ को टच एक दूसरे के साथ, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो भी आपको मेजर, चलिए बच्चों तो ये देखते हैं कि आप किस तरह से हमें मेजरमेंट को नोट करना होता है, राइट। तो आपको दो मेजरमेंट नोट करने बच्चों, है कि आपका मेन स्केल का रीडिंग कितना है और दूसरा आपको मेजर करना है बच्चों सेकेंडरी स्केल का रीडिंग कितना है, ओके। चलिए, आपको जो भी डायमेंशन मेजर करना था आपको उन्होंने दो जॉ के बीच में रख दिया है और जॉ को एक दूसरे के साथ टच करा दिया है और उसके बाद आपको स्केल कुछ इस तरह दिख रहा है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ऐसा आपको स्केल दिख रहा है और यहां से आपको रीडिंग लेना, तो क्या करना है, तो पहले मेन स्केल का रीडिंग लिखते हैं बच्चों, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग, राइट। तो बच्चों यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग है, तो आप ये चेक करिए आपका वर्नियर स्केल रीडिंग चालू कहां से हो रहा है। तो यहां से मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग अटका हुआ इधर, यस और नो, ये पूरा वर्नियर स्केल है ना। तो वर्नियर स्केल जहां से चालू हो रहा है उसके पहले मेन स्केल कितना है वो चेक करिए। तो वर्नियर स्केल जहां से चालू हो रहा है बच्चों उसके पहले मेरा मेन स्केल ये वाला है, ये वाला मार्क, राइट, मैं उसको अलग कलर से मार्क कर रहा हूं ये। तो ये बच्चों आपका मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा बच्चों, ये 3 है 4 है, उसके बीच वाला ये कितना होगा, 3.5 होगा, एंड ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर का स्केल होगा। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। अब सेकेंडरी स्केल आपको कैसे देखना है वो देखिए। तो सेकेंडरी स्केल में बच्चों आपको ये देखना है कि सेकेंडरी स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। द मार्क ऑफ सेकेंडरी स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो आप दोनों स्केल को बच्चों ध्यान से देखिए और चेक करिए कहां पे दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखते जाइए, ये नहीं कर रहा है कोइंसाइड, ओके। आप आगे जाते जाइए आपको दिखेगा बच्चों ये वाला मार्क दिख रहा है आपको, 5 के बाद का 6 वाला मार्क देखिए, वो एग्जैक्टली ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो जो आपका सेकेंडरी स्केल का मार्क प्राइमरी स्केल के मार्क के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करे ना, वो है बच्चों आपका सेकेंडरी रीडिंग। तो सेकेंडरी स्केल का रीडिंग कितना है बच्चों, यहां पर आपका 6 है। कितना है सेकेंडरी स्केल का रीडिंग बच्चों, आपका यहां पे 6 है, ओके। तो आपको आंसर क्या लिखना होता है बच्चों, आपको मेजरमेंट लिखना होता है, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग और प्राइमरी स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, राइट,
उसमें आपको बच्चों प्लस करना होता है, क्या प्लस करना होता है, सेकेंडरी स्केल का रीडिंग, सेकेंडरी स्केल रीडिंग राइट, और इंटू आपको करना है सेकेंडरी स्केल के रीडिंग को आपको इंटू करना है बच्चों एलसीएम से। सेकेंडरी स्केल के रीडिंग को आपको किससे इंटू करना होता है बच्चों, एलसीएम से इंटू करना होता है, मतलब मेन स्केल रीडिंग है आपका 3.5 फॉर दिस एग्जांपल सेंटीमीटर में, सेकेंडरी स्केल का रीडिंग है बच्चों 6, और 6 को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा एलसीएम से। इतना आपको समझ में आएगा, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है मेन स्केल का रीडिंग जहां से वर्नियर स्केल चालू हो रहा है वो आपका मेन स्केल रीडिंग ओके, और वर्नियर का जो मार्क मेन स्केल से मैच हो रहा है वो आपका वर्नियर स्केल का या सेकेंडरी स्केल का रीडिंग ओके, और मेन स्केल के रीडिंग को डायरेक्ट रखना है, सेकेंडरी स्केल के रीडिंग को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है ठीक है ना। चलिए अब एलसीएम कैसे मेजर करेंगे, तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चों आपका जहां पे आप वर्नियर कैलिपर करोगे ना, तो वर्नियर कैलिपर में बच्चों आपका एलसीएम होता है एलसीएम इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होता है बच्चों, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल का ये एक डिवीजन जो है ना वो कितना है, माइनस वर्नियर का ये जो एक डिवीजन है वो कितना है। इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलसीएम कहेंगे। क्या कहेंगे इस डिफरेंस को हम, एलसीएम कहेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ओके। चलिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं फाइन। तो यहां पे बच्चों आपको जनरल इस तरह से दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है आपको, और स्टेट इस तरह से किया होता है कि 10 मार्क ऑन मेन स्केल आर coinciding with 11 mark on vernier scale, ऐसा दिया होता है राइट आपको। इसका मतलब क्या है बच्चों, 10 mark on main scale, तो मैं लिखूंगा यहां पर 10 mark on main scale, 10 mark on main scale इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों आपको, 11 मार्क दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। 11 मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल ओके, तो 11 मार्क ऑन वर्नियर इज इक्वल टू 10 मार्क ऑन मेन स्केल, तो इसका 1 मार्क कितना हो जाएगा बच्चों, हेंस 1 मार्क ऑफ वर्नियर कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय 11 करेंगे 10 बाय 11 मार्क ऑफ मेन स्केल हो जाएगा, इतना है बच्चों आपको समझ में। इसके वर्नियर के 11 मार्क, मेन स्केल के 10 मार्क जितने हैं, तो वर्नियर का एक मार्क कितना होगा मेन स्केल का, 10 बाय 11 जितना होगा, समझ आया बच्चों आपको, इतना क्लियर है ओके। चले बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक मेन स्केल का डिवीजन जो है वो 1 mm है, जनरली 1 mm ही होता है, एक मेन स्केल का डिवीजन कितना है बच्चों आपका 1 mm है, ये जो है ना वो मेन स्केल नॉर्मली 1 mm का होता है, एक एक मार्क के बीच का डिस्टेंस ओके। तो वर्नियर का डिवीजन कितना हो गया बच्चों, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। चलिए एक वर्नियर का मार्क मेन स्केल के कितने बराबर है बच्चों, 10 बाय n के बराबर है इनटू मेन स्केल डिवीजन राइट। एक वर्नियर का मार्क जो है वो मेन स्केल के 10 बाय 11 के बराबर है ओके, तो एक वर्नियर डिवीजन कितना हो गया 10 बाय 11 इनटू एमएसडी, दैट इज 10 बाय 11। चलिए मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, 1 mm है, तो यहां पे आपका ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 बाय 11 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया बच्चों आपका, 10 बाय 11 mm हो गया ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, आपका एलसीएम हो जाने वाला है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एलसीएम एमएसडी माइनस बीएसडी है ना। चलिए एमएसडी कितना है बच्चों आपका, एमएसडी 1 mm का है एक डिवीजन, और वर्नियर का एक डिवीजन कितना है बच्चों, 10 बाय 11 mm है। जैसे बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा 1 बाय 11 mm, कितना आ जाना है बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एलसीएम आएगा आपका 1 बाय 11 mm। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आपको ये टाइप का दिया हुआ तब के इतने मार्क के साथ इतने मार्क मैच हो रहा है, तो आप ये फाइंड करिए एक वर्नियर मार्क जो है ना वो कितने मेन स्केल से मैच हो रहा है ओके, और इसको क्या करेंगे इंटू मेन स्केल डिवीजन कर देंगे ओके। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक वर्नियर डिवीजन मिल जाएगा, और इस मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर डिवीजन को माइनस करें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, और अब यहां पे आप एलसीएम को इंटू करेंगे और प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपका मेजरमेंट है वो, समझ आया बच्चों आपका क्लियर। इतना वर्नियर कैलिपर में कितना आपको काम करना है, ये चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट है कि आपका मेजर्ड वैल्यू कितना होता है, तो मेजर्ड वैल्यू होता है बच्चों आपका मेन स्केल डिवीजन प्लस सेकेंडरी स्केल डिवीजन इनटू एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चों, ये आपका एलसीएम है 1 MSD माइनस 1 VSD, और इस तरह से अगर स्टेटमेंट दिया तो कैसे आगे जाना है मैंने आपको इस न्यूमेरिकल में बताया, और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, क्लियर बच्चों वर्नियर कैलिपर ओके। चलिए उसी तरह से होता है बच्चों, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्क्रू गेज है ओके। चलिए बच्चों, तो स्क्रू गेज भी आपके सामने आ चुका है
देखते हैं बच्चों स्क्रू गेज में क्या है। तो स्क्रू गेज के अंदर भी बच्चों दो स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है बच्चों मेन स्केल जो फिक्स होता है आपका, और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी स्केल जो एक स्क्रू के ऊपर लगा होता है। कहाँ लगा होता है बच्चों? ये एक स्क्रू के ऊपर है, ये जो ना अल्टीमेटली पूरा एक स्क्रू है। आप क्या करोगे बच्चों, इस स्क्रू को रोटेट करोगे। ओके, इसको अगर आप रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे कहां जाएगा? आगे जाएगा। ओके, या तो कहां आएगा? पीछे आएगा, राइट। ओके, और ये जो आपका स्पिंडल है ना बच्चों, ये स्पिंडल जुड़ा होता है स्क्रू के साथ। मतलब जैसे आप स्क्रू को घुमाओगे ना, जैसे आप स्क्रू को घुमाओगे राइट, तो उससे क्या होगा बच्चों, ये स्पिंडल जो है वो कहां जाएगा? धीरे धीरे आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। ओके, स्पिंडल जो है वो कैसा है बच्चों? मूवेबल है, वो स्क्रू के साथ डायरेक्टली अंदर से लगा होगा। आप स्क्रू को घुमाओगे तो साथ में ये स्पिंडल आगे पीछे होगा। आपको स्क्रू तब तक घुमाना है जब तक ये जो स्पिंडल वाला जो है ना वो इसके साथ टच ना हो जाए, जिसको आपको मेजर करना है उसके साथ। जैसे ही बच्चों यहां पर ये फिक्स हो गया, उसके बाद आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहां पर बच्चों आपको दो चीजें मेजर करना है। ओके, कौन कौन सा? ध्यान से देखिएगा हमें क्या क्या मेजर करना होता है यहां पे। तो यहां पे भी हमें मेजर करना होता है बच्चों मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन चाहिए हमें, या मेन स्केल मेजरमेंट चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए होता है बच्चों सेकेंडरी स्केल का मेजरमेंट। सेकेंडरी स्केल का मेजरमेंट चाहिए, राइट। चलिए अभी यहां पर जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, उससे ही देखते हैं कि कितना आपका मेजरमेंट आने वाला है, ठीक है ना। ओके, चलिए बच्चों मेन स्केल कहां चालू हो रहा है वो देखिए आप। तो ये आपका स्क्रू यहां पर अटका हुआ, जब दोनों जॉ एक दूसरे के साथ टच हो गए तो आपका स्क्रू जो है वो यहां अटका हुआ है। कितना है बच्चों? 4 पॉइंट कुछ दिख रहा है ना। ओके, यहां पे देखिए 3 और 4 के बीच में 5 मार्क है। ओके, मतलब हर एक मार्क जो है वो 0.2 का होगा, तो ये कितना होगा बच्चों आपका? 4.2 होगा। कितना होना है बच्चों आपका? 4.2 होने वाला है, राइट। तो आपका मेन स्केल का रीडिंग कितना है बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है मेन स्केल रीडिंग? 4.2 सेंटीमीटर है। अब सेकेंडरी स्केल का कौन सा मार्क मैच हो रहा है वो देखिए। तो ये जो है ना बच्चों, ये आपका डेटम लाइन है। ये डेटम लाइन के साथ चेक करिए इसका कौन सा मार्क मैच हो रहा है। तो ये मार्क मैच हो रहा है बच्चों, यस और नो? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी रीडिंग। ओके, डेटम लाइन के साथ जो मार्क मैच होगा वो आपका सेकेंडरी रीडिंग होगा। चले कौन सा होगा बच्चों बताइए? तो ये 5 है 6 7 8 9। ओके, तो आपका सेकेंडरी का रीडिंग है बच्चों 9th मार्क। कौन सा है बच्चों? सेकेंडरी का रीडिंग जो आपका 9th मार्क। चले तो यहां पे भी आप मेजर्ड वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों? तो यहां पे बच्चों आप लिखने वाले हो कि मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ठीक है, प्लस क्या करेंगे बच्चों? हम सेकेंडरी स्केल का रीडिंग करेंगे। सेकेंडरी स्केल रीडिंग, और इस सेकेंडरी स्केल रीडिंग के साथ हमें क्या इंटू करना होता है बच्चों? एलसीएम। क्या इंटू करना होता है यहां पे? हमें एलसीएम इंटू करना होता है। और इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज के अंदर आपको एरर भी मिलेगा, तो यहां पे आपको क्या करना होता है बच्चों? प्लस और माइनस एरर भी करना होता है। क्या करना होता है? प्लस और माइनस एरर। मैं आपको केस बताऊंगा एरर का, केसेस क्या है वो। ओके, चले बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपका मेन स्केल का रीडिंग कितना है? 4.2 है सेंटीमीटर में, प्लस सेकेंडरी का रीडिंग कौन सा है बच्चों? 9th मार्क है, इंटू हमें एलसीएम करना है। ओके, एंड प्लस और माइनस एरर, एरर के मैं आपको केसेस बता दूंगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये डेटा के अंदर आएगा, तो हम देखेंगे किस तरह करेंगे उसको आगे, ठीक है ना। चले बच्चों अब यहां पे एलसीएम क्या होता है। तो जब भी बच्चों आप स्क्रू गेज का डिस्कशन करो तो स्क्रू गेज का एलसीएम बहुत सिंपल होता है बच्चों। स्क्रू गेज में आपका एलसीएम होता है बच्चों पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सेकेंडरी स्केल। चलिए पिच का मतलब क्या है बच्चों? पिच का मतलब है एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू ऑन 1 टर्न ऑफ स्क्रू ऑन मेन स्केल। मतलब जब आप स्क्रू को घुमाओगे ना बच्चों, स्क्रू को आपने एक अगर पूरा चक्कर घुमाया तो ये स्क्रू जो है वो मेन स्केल पे कितना आगे जा रहा है, उसे हम कहते हैं पिच। ओके, जब हमने स्क्रू को घुमाया तो ये स्क्रू मेन स्केल पे कितना आगे गया, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? पिच कहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि एक पूरा रोटेशन घुमाने पर स्क्रू जो है वो 1 mm आगे गया। कितना आगे गया स्क्रू जो है वो यहां पर 1 mm जितना आगे गया। तो सपोज मान लेता हूं बच्चों मैं कि पिच कितना है 1 mm है, और इसके ऊपर टोटल मार्क मान लेते 50 है। सेकेंडरी पे कितना मार्क है बच्चों? यहां पे 50 मार्क है। तो यहां पे बच्चों आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? चलिए तो यहां पे बच्चों आपका एलसीएम हो जाने वाला है, पिच कितना है 1 mm और मार्क कितना है बच्चों 50, तो आपका एलसीएम हो जाने वाला है 1/50 कितना होगा बच्चों? 0.02 mm।
कितना होगा ये 0.02 mm जितना आपका एलसीएम होगा। आपको यहाँ पे एलसीएम रख देना है बच्चों। अब एरर क्या है वो देखते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चों आपके मेनली दो टाइप के एरर, एक है पॉजिटिव एरर, एक है नेगेटिव एरर। ओके, तो एरर का मतलब क्या है कि जब ये कोई मेजर हम नहीं कर रहे, हमने सीधा दोनों जॉ को टच कराया, कोई भी यहाँ पे मेजरमेंट नहीं रखा है और डायरेक्ट हमने दोनों जॉ को अगर टच कराया तो जीरो मार्क के साथ, मतलब बॉटम लाइन के साथ इसका जीरो मैच होना चाहिए। ओके, चलिए मैं आपको इसके तीन केस बता देता हूं। चलिए बच्चों देखिए, आपके सामने तीन केसेस मैंने रख दिए हैं। देखिए हमने कुछ भी मेजर नहीं किया, दोनों जॉ टच है, इनके अंदर भी दोनों जॉ टच है, हमने कोई मेजर वैल्यू रखा नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इसके डाटम लाइन के साथ जीरो मार्क मैच होना चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है। अगर डाटम लाइन के साथ जीरो मैच हो रहा है मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, देर इज नो एरर इन दिस केस। ओके, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, हम कुछ भी मेजर नहीं करा रहे तो डाटम लाइन के साथ जीरो की जगह पे पांच मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपना स्क्रू जो है वो ऑलरेडी पांच आगे बढ़ चुका है। समझ आया बच्चों आपको, अपना स्क्रू कहाँ हो चुका है, ऑलरेडी पांच आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप एरर करोगे आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पांच को माइनस करना पड़ेगा, यस और नो। तो यहां पे बच्चों आपका स्क्रू जो है वो पांच आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो आपका जो एरर है ना बच्चों वो क्या है, आपका एरर जो है ना पांच आगे बढ़ चुका है ना, मतलब +5 का एरर है। ओके, तो आपको करेक्शन कितना करना पड़ेगा बच्चों, -5 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा करेक्शन बच्चों, आपको -5 का करना पड़ेगा। तो आप +5 आप आगे चले गए हो ना, तो आपको एरर में क्या करेक्शन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, -5 करना पड़ेगा। तो समझे बच्चों आप कि सपोज आपने ये पूरा मेजरमेंट लिया राइट, और पूरा मेजरमेंट लेने के बाद सपोज आप मेजरमेंट कर लेने के बाद अगर मान लेते हैं कि 37 नंबर का मार्क मैच हो रहा है आफ्टर मेजरमेंट, मैं खाली सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आफ्टर मेजरमेंट अगर आपका सेकेंडरी का जो रीडिंग है ना वो 37 है, आफ्टर मेजरमेंट अगर बच्चों सेकेंडरी का रीडिंग 37 है, 37 है बराबर, तो आप एक्चुअल में रीडिंग कितना लिखोगे बच्चों, एरर को प्लस माइनस करके, तो आप एक्चुअल रीडिंग लिखोगे बच्चों 37। अब पांच तो ऑलरेडी पहले आप आगे जा चुके थे, उसको आपने माइनस करना पड़ेगा मार्क में, तो आप सेकेंडरी का रीडिंग कितना लिखोगे बच्चों, 32 लिखोगे। कितना लिखोगे आप सेकेंडरी का रीडिंग जो है वो 32 लिखोगे। समझ आया बच्चों आपको। अब यहां पे देखिए बच्चों क्या है तीसरा केस, आप ध्यान से देखिए। चलिए तीसरे केस में क्या है बच्चों देखिए, तो तीसरे केस में जब हमने कुछ भी मेजर करने नहीं रखा है, दो जॉ को डायरेक्ट टच कराया, तो यहां पे डेटम लाइन के साथ 45 मैच हो रहा है। 45 मैच रहा है इसका मतलब क्या है, देखिए 45 मैच हो रहा है इसका मतलब आपका स्केल ऑलरेडी पांच पीछे है। हम ऐसा नहीं कहेंगे 45 आगे है, हम क्या कहेंगे बच्चों अपना जो स्केल है वो कहां पर है, पांच जितना पीछे है राइट। तो यहां पे आपका एरर कितना है, पांच जितना पीछे है ना, तो एरर है बच्चों -5। तो आपको करेक्शन कितना करना पड़ेगा बच्चों, आपको करेक्शन में करना पड़ेगा +5 मार्क। आपको +5 मार्क क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं बच्चों कि इसके अंदर आफ्टर मेजरमेंट आपका पूरा मेजरमेंट हो गया राइट, आफ्टर मेजरमेंट अगर आपका मार्क मैच हो रहा है बच्चों, सपोज आपका मार्क सपोज मैच हो रहा है, लेट्स से कितना लेना है बोलिए, सपोज 13 मैच हो रहा है, कितना मैच हो रहा है बच्चों 13। ओके, तो आपको सेकेंडरी का रीडिंग 13 नहीं लेना है, आपको एरर प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्केल ऑलरेडी पांच जितना पीछे था, तो आपको आंसर में पांच जितना प्लस करना पड़ेगा सेकेंडरी के रीडिंग में। तो कितना करना पड़ेगा आपको, 13 + 5 करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों आपको सेकेंडरी का जो रीडिंग है ना, ये आप कितना करोगे बच्चों, 13 + 5 करोगे और यहां पे 18 रखोगे सेकेंडरी के रीडिंग में और इनटू एलसीएम करोगे। क्लियर बच्चों? तो यहां पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेन वैल्यू तो वही रहना है, मेजर्ड मेन स्केल का रीडिंग प्लस सेकेंडरी का रीडिंग इनटू एलसीएम वही करना है आपको, प्लस और माइनस एरर आएगा, एरर के टाइप ये रहे बच्चों। अगर स्केल 0 to 0 है तो नो एरर, अगर स्केल आपका आगे बढ़ चुका है तो एरर पॉजिटिव, करेक्शन करना पड़ेगा माइनस में। अगर स्केल बच्चों पीछे है, पीछे मतलब एरर कैसा है, नेगेटिव, करेक्शन करना पड़ेगा पॉजिटिव। किसमें करेक्शन करेंगे, सेकेंडरी वाला जो मार्क मैच हो रहा है वो। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सेकेंडरी स्केल। बोले इतना आपको आ गया समझ में। चलिए तो अब बारी है इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कंटेंट क्लियर हुआ है कि नहीं। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल का डिवीजन कितना है बच्चों, 1 मेन स्केल डिवीजन आपको दिया हुआ है 1 mm। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा है, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। तो क्या कहा है बच्चों, 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यस और नो बच्चों? इतना क्लियर आपको
है ना, वर्नियर के 20 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच हो रहे हैं। हमें फाइंड करना है बच्चों इसका लीस्ट काउंट कितना है वो। चलिए बहुत सिंपल है, तो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो इसका एक डिवीजन कितना होगा बच्चों, एक डिवीजन ऑन वर्नियर, वन डिवीजन ऑन द वर्नियर इज इक्वल टू 16 बाय 20 करेंगे डिवीजन ऑन मेन स्केल। अभी मैंने आगे बताया ना वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये, ओके फाइन। चले बच्चों आगे देखते हैं, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 बाय 20 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 16 बाय 20। चलिए मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, 1 mm है, तो ये कितना हो गया आपका 16 बाय 20 mm हो गया। क्या हुआ बच्चों, ये आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होता है बच्चों, बोलिए वर्नियर कैलिपर का एलसीएम है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, 1 mm, वर्नियर डिवीजन कितना है बच्चों, 16 बाय 20 mm। चलिए एलसीएम करिए कितना होगा, 4 बाय 20 mm होगा, और 4 बाय 20 कितना होता है बच्चों बताइए, तो 4 बाय 20 हो जाएगा आपका 0.2 mm, राइट 2 से कट होगा 2 बाय 10 0.2 mm। तो वर्नियर कैलिपर का एलसीएम कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 0.2 mm होगा। आया आपको समझ में किस तरह किया हमने वो, ओके। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, चेक दैट क्वेश्चन, वर्नियर से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन होना चाहिए, ओके लेट्स सी। चले बच्चों वापस एक एलसीएम वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द 30 डिवीजन ऑफ द वर्नियर। चलिए वापस क्या आया बच्चों इसके अंदर भी, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू मेन स्केल का कितना है बच्चों, 29 मेन स्केल डिवीजन, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन। चलिए इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है बच्चों, हाफ डिग्री है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका, हाफ डिग्री है, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री मतलब कितना होगा बच्चों, 30 मिनट है ना, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 0.5 डिग्री मतलब 30 मिनट, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, 30 मिनट है। चलिए यहां से देखिए, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा बच्चों, 29 बाय 30 मेन स्केल डिवीजन होगा, तो यह 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 बाय 30 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, 30 मिनट है, राइट। चलिए 30-30 कट हो जाएगा, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा बच्चों आपका, 29 मिनट होगा। तो आपको यहां पे भी क्या फाइंड करना है, लिस्ट काउंट फाइंड करना है ना, तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था बच्चों, 30 मिनट था, और वर्नियर का वो एक डिवीजन कितना आया है, 29 आया। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल है ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 मिनट, तो एलसीएम कितना होगा आपका यहाँ पर 1 मिनट जितना एलसीएम होगा। क्लियर बच्चों आपको ये क्वेश्चन, समझ आ गया आपको इतना, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रू गेज के कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रू गेज का आपके सामने आया, बड़ा सा ये क्वेश्चन है और हमें स्क्रू गेज दिया हुआ है बच्चों, उसका पिच ऑलरेडी कह दिया है हमें, फाइन। चलिए स्क्रू गेज है जिसका पिच कितना है बच्चों, तो उसका हमें पिच दिया हुआ है 0.5 mm, कितना दिया बच्चों उसका पिच है 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन। चलिए डिवीजन कितना है सर्कुलर स्केल के ऊपर, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50, तो मुझे यहां से एलसीएम मिल जाएगा बच्चों, पहले मैं निकाल लेता हूं एलसीएम, तो एलसीएम कितना होता है बच्चों, पिच बाय डिवीजन ऑन द सेकेंडरी स्केल और सर्कुलर स्केल, है ना। चलिए बच्चों पिच कितना है 0.5 डिवाइड बाय क्या करेंगे 50 mm में है, बोले 0.5 बाय 50 कितना होगा बच्चों, 0.01 mm होगा, तो ये एलसीएम है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है वो, देखिए ध्यान से, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन लाइन एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बैरली विजिबल। तो क्या कहा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, राइट, ये एरर वाला क्वेश्चन आ गया, राइट, जब दोनों जॉ को हमने डायरेक्ट टच कराया इस तरह से, तो इसके डेटम लाइन के साथ जो स्क्रू है ना बच्चों उसका 45th नंबर का मार्क मेजर हो रहा है, कितना मार्क मैच हो रहा है 45, मतलब यहां पे एरर है। चलिए बताइए आपका जीरो कहां पर है बच्चों, नीचे होगा,
मतलब आपका एरर कैसा है बच्चों? आप 5 पॉइंट आगे हो गए, पीछे हो, टोटल 50 मार्क है आपका। स्टार्टिंग में 45th मैच हो रहा है, जीरो तक अभी आप पहुंचे ही नहीं हो, तो आप कहां पर है बच्चों? 5 पॉइंट जो अब आपको पीछे हो, तो आपका एरर कितना है बच्चों? यहाँ पे 5 पॉइंट का एरर है पीछे, मतलब एरर है आपका -5। तो आपको कितना करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, बोलिए? +5 का करेक्शन करना पड़ेगा ना। चलिए अब आगे देखते क्या कहा है। अब कहा है बच्चों के, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल है वो। ओके, तो आपको मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है बच्चों? आपको मेन स्केल का रीडिंग दे दिया हुआ है 0.5 mm, और कौन सा मार्क कोइंसाइड कर रहा है वो देखिए। मार्क कोइंसाइडिंग इज, दैट इज अ सेकेंडरी स्केल रीडिंग, मार्क कोइंसाइडिंग ऑन सेकेंडरी स्केल कौन सा है बच्चों? 25th डिवीजन है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपका 25वां मार्क कोइंसाइड कर रहा है, तो सेकेंडरी का रीडिंग कितना होगा बच्चों? आपका आपका सेकेंडरी रीडिंग हो जाएगा बच्चों 25वां मार्क जो है वो आपका मैच कर रहा है, और करेक्शन कितना डालना है बच्चों? 5 का आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। तो आपका सेकेंडरी का मार्क कितना होगा बच्चों? 30 होगा। समझ आ गया आपको किस तरह से एरर को हमने इंक्लूड किया? पहले 45 का मार्क मैच हो रहा है, मतलब आप 5 डिजिट पीछे हो, मतलब एरर है -5 का। तो आपको जो भी आपका रीडिंग आया सेकेंडरी का, उसमें +5 करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंडरी का रीडिंग आया 25, हमने उसमें +5 कर दिया, तो कितना हो गया वो 30 हो गया। चलिए अब आंसर लिख देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर हो जाता है मेन स्केल का रीडिंग। चलिए मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चों? 0.5 mm प्लस हम क्या करते हैं बच्चों, सेकेंडरी का कौन सा मार्क मैच हो रहा है वो लिखेंगे 30, और इंटू क्या करते हैं बच्चों, साथ में एलसीएम करते हैं, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका 0.5 mm प्लस 30 इंटू एलसीएम, हमने ऑलरेडी निकाल दिया, देखिए कितना है बच्चों एलसीएम 0.01। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0.5 mm प्लस 0.3 mm। तो जो थिकनेस है ना शीट का जो पूछा गया है वैल्यू, वो कितना है 0.8 mm। क्लियर बच्चों? तो ये एक मास्टर एग्जांपल है जहां पर सब कुछ आ गया, एलसीएम फाइंड करने का भी आ गया। ओके, साथ में आप देख लीजिए तो आपका एरर भी इंक्लूड हो गया और मेजर्ड वैल्यू भी हमने निकाल लिया, ठीक है। चले बच्चे एक और क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, स्क्रू गेज से जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, मस्त क्वेश्चन है ये भी। 2 full turns ऑफ अ सर्क्यूलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। टू टर्न्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। अब यहां पे देखिए बच्चों क्या है, 2 turns मतलब जब आपने स्क्रू को 2 चक्कर घुमाया तो वो 1 mm जितना आगे गया, 2 चक्कर घुमाने में 1 mm आगे गया। पिच क्या होता है बच्चों? पिच तो होता है कि 1 चक्कर घुमाने से स्क्रू कितना आगे जाएगा। तो 1 turn अगर आपने स्क्रू को घुमाया तो ये कितना आगे जाएगा? ऑब्वियसली 1/2 mm है ना, मतलब आपका पिच कितना है बच्चों यहां पर? तो ध्यान से आपको पढ़ना है जब क्वेश्चन दिया हो ना वो, ताकि आप छोटी छोटी गलतियां अवॉइड कर सको। 2 चक्कर घुमाने से 1 mm आगे गया, तो 1 चक्कर घुमाने से कितना आगे जाएगा? 0.5 mm, और 1 चक्कर घुमाने से जितना आगे जाता है उसे हम कहते हैं पिच। तो पिच कितना है बच्चों? 0.5 mm। चलिए आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। चलिए सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितने हैं? 50 है। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बच्चों? 50 है। तो आपको पहले पिच निकाल देना। चलिए पिच कितना आएगा बच्चों आपका? पिच आ जाएगा आपका, सॉरी पिच नहीं एलसीएम, पिच तो 0.5 mm है ना। तो एलसीएम कितना आता है बच्चों? एलसीएम आता है आपका पिच 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, दैट इज 50। ओके, ध्यान रखिएगा कि वर्नियर में फॉर्मूला अलग था, 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल था, हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, और ये स्क्रू गेज में क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन होता है। चलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों बताइए फटाफट, कितना होगा? 0.5/50, दैट इज 0.01 mm। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द, हाँ एक और चीज है, फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज अ एरर ऑफ 0.03 मीटर। चलिए एरर ऑलरेडी दे दिया डायरेक्ट, यहां कितना है बच्चों? एरर नेगेटिव है -0.03 mm। तो आपको आंसर में इसको करेक्शन में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द थिन वायर अ स्टूडेंट नोट्स द मेन स्केल रीडिंग ऑफ 3 mm एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मेन स्केल इज 35। चलिए क्या करेंगे बच्चों, तो मैं सीधा यहां पे आंसर लिख रहा हूं। बोले मेन स्केल का रीडिंग कितना आया उसका? मेन स्केल का रीडिंग आया बच्चों उसका 3 mm प्लस, बोले कौन सा मार्क उसका मैच हो रहा है? तो मार्क मैच हो रहा है बच्चों 35। उसके साथ हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। एलसीएम कितना है बच्चों? 0.01। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। तो एरर क्या है बच्चों? -0.03। तो करेक्शन क्या करेंगे बच्चों? +0.03 mm का करेक्शन करेंगे। समझ आया आपको? चलिए कितना होगा बच्चों बताइए, मुझे लग रहा है ये होगा 3.38 mm।
क्योंकि ये होगा आपका 0.35 प्लस 0.03 दैट इज 0.38, तो 3.38 एमएम आपका आंसर है। तो यहां पे जो भी आपको मेजर करना है वो वैल्यू कितना है बच्चों आपका 3.38 एमएम जितना वैल्यू है। समझ आ रहा है बच्चों आपको इतना, एकदम क्लियर आपको, राइट फाइन। चलिए बच्चों तो यहां पे आई थिंक, चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, राइट। एक फिगर आपको दिया हुआ है, पहले आपको एरर निकालना है पहले फिगर से, ओके आई होप आप अच्छे से एरर निकालोगे, और दूसरे फिगर से बच्चों आपको मेजर वैल्यू बताना है कितना है वो, फाइन। चलिए तो यहां पे ये लेक्चर को बच्चों हम एंड करते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट। अच्छे से आपको इसको सॉल्व करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है, फाइन। और कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट में उसको मेंशन करिए, मैं डेफिनेटली आपका डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा, राइट। चलिए आपको चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।